समाचार अमदावादमां नित्यानंद आश्रम विवादना मामले आ समाचार सामे आवी रह्या छे। विवादित नित्यानंद आश्रम केसमां एक नवो ज वळाक आव्यो छे। आश्रमना अनुयायीओए पोलीस अधिकारीओ सामे फरियाद करी छे। ग्राम्य पोलीसना उच्च अधिकारीओ सामे फरियाद करवामां आवी छे। ग्राम्य कोर्टमां पोलीस अधिकारीओ सामे फरियाद नोंधाई छे। केसने तपास खोटी रीते थई होवानुं अनुयायीओ द्वारा आक्षेप कराई रह्यो छे। डीवायएसपी केटी कामरिया पीआई आर बिराणा सामे आक्षेप लगाव्या। આશ્રમના બાળકોને તપાસમાં વિપત્સ વિડિયો બતાવ્યાનો આક્ષેપ કરાઈ રહ્યો છે। હમારા એલિગેશન્સ મેં બતા ચુકા હું પહેલે। હમારા એલિગેશન્સ હૈ માઇનર ચિલ્ડ્રન વેર શોન પોર્નોગ્રાફિક મટીરિયલ દે વેર હરેસ્ટ ટ્રોમેટાઇઝ્ડ ફિઝિકલી યે રિલિજિયસ હર્ટિંગ રિલિજિયસ સેન્ટિમેન્ટ્સ ઓર इसका और भी तरीके से वो पेपर में साइन ब्लैंक शीट ऑफ पेपर में साइन करने के लिए बोले और सेवरल थिंग्स ये गुरु के बारे में बोल रहे थे कि आपके गुरु से रेपिस्ट है सेक्स गुरु है ये सब बोल के आप बोल रहे थे आपकी गुरुजी अच्छे नहीं हैं अब हम आपकी माता पिता भी अच्छे नहीं हैं ये गुरुकुल भी अच्छे नहीं है ऐसा टॉर्चर करके बोल के सब किड्स को और मेरी बेटी को भी ऐसा बोल के और इसको फिजिकली टॉर्चर किया है। फिजिकली क्या टॉर्चर? फिजिकली वो हेयर वो उसको जटा पहनते हैं वो लोग ये हमारे ट्रेडिशन में वो जटा के बारे में ये पुल करके पूछे ये क्यों पहन रहे हो ये अच्छा नहीं है दूसरे लोग दूसरे स्कूल्स में ऐसा नहीं पहनते ये ड्रेस ऐसे पहनते हो ये आप डल लगते हो ऐसा सब डिस्करेजिंग यही है फिजिकल हरासमेंट ये और कितने और लड़कों को फिजिकली पुश किया है थ्रेटन किया है कि आप साइन नहीं किया तो पेपर में हम केस लगवाएंगे हम स्वामी जी के ऊपर। आप जो बोल रहे हैं पोर्नोग्राफिक मटेरियल तो वो किसी को पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के को लेके वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल बताया गया था इन जनरल पोर्नोग्राफिक मटेरियल बताया गया था ये हमको पता है कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाया था वीडियो फोटोज के जरिए और वीडियो के जरिए हमको पता है। बच्चों को कलेक्टिवली दिखाया गया था या एक-एक? नहीं एक-एक वो इन्वेस्टिगेशन की एक एक लड़की लड़के को हो रहा था ऐसा नहीं कि एक 10 बच्चे ऐसा बैठ के इन्वेस्टिगेशन करो एक एक बच्चे को आइसोलेशन में रख के ऐसा रूम में बुला के चार पांच ऑफिसर्स पुलिस चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स ये सब ट्रॉमेटाइज हैरेसमेंट करके पूछ रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन एक एक बच्चे को भी सबको पोर्नोग्राफिक मटेरियल और पोर्नोग्राफिक मटेरियल कुछ बच्चे को दिखाया और सेक्स लैंग्वेज कि आपकी गुरु सेक्स रेपिस्ट है ऐसा है और ऐसा लाइफ ऐसा भी मेजर हो जाओ आप ये माइनर किड्स को बोल रहे थे आप मेजर हो जाओ मेजर होने के बाद ये आप किधर पे जाके ऐश करेंगे स्वामी जी आपके साथ नहीं तो आप ऐसा हमारे साध्वी के साथ आप जेल जाएंगे ऐसा थ्रेटन किया है ऐसा ट्रॉमेटाइजेशन किया है बच्चे लोगों के साथ। आपको क्यों लगता है कि अगर आप बोलते हैं अगर बात ये सच मानी जाए मिनट के लिए तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाने का वजह क्या हो सकती है? ये हमको पता नहीं है ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा क्यों दिखाया गया ये हमारे ये सीडब्ल्यूसी ऑफिसर पुलिस किसी पे भी देख सकते हैं ये हमको पता नहीं है हमको सिर्फ पता है कि वो दिखाया है बस। इसका इसके बारे इसके वो कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज गो अहेड आप दोनों प्लीज गो अहेड।
इधर आ रहेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे या मैं एज इट स्टेटमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू से एंड देन आफ्टर क्वेश्चन। आपका परिचय दीजिए। मेरे नाम माननीय प्राणप्रिया नंदा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि आप हमारे साइड का स्टोरी क्या है और क्या हम फील कर रहे हैं इसको आप लिसनिंग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत थैंक यू है। और मैं आपका दो मिनट मेरा बैकग्राउंड के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्या किया है। मैं तो एक पीएचडी रिसर्चर हूँ इन एनवायरमेंटल साइंसेस एंड केमिकल इंजीनियरिंग। मेलबर्न में सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज और पॉलिसी मेकिंग में मैं एक मुख्य रिसर्च किया है। और मेरे प्रोफाइल ऐसा है कि मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑन लीडरशिप एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ऑल दोज थिंग्स हैव आई हैव गॉट ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स। और उसके बाद मैं पूरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से इस लाइफस्टाइल को चूज किया है। और आफ्टर चूजिंग दिस लाइफस्टाइल आई हैव बीन इंटरेक्टिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस अबाउट 500 पीपल, टीचिंग देम द साइंसेस ऑफ हिंदुइज्म, योगा। सॉरी, मैं हर दिन 500 लोगों को मिलते हैं और उन लोगों को हीलिंग, मेडिटेशन, योगा ये सभी सिखाते हैं। सो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट इस धर्म को फॉलो करके, इस धर्म को धर्म से सभी लोगों को सर्विस करना ही मेरा इंटरेस्ट है। मैं कोई किडनैपिंग में और मैं कोई चाइल्ड लेबर ऐसा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, ये करने के लिए मैं इस लाइफस्टाइल को नहीं चूज किया है। और मैं 10 months अहमदाबाद में था, बहुत एनरिचिंग रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था। सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मेनी मेनी प्लेसेस, मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड एंड इट वाज सच अ गुड वर्क दैट वी हैव डन हियर इन अहमदाबाद। एंड एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर नवंबर 1st। सो सभी चेंज चुका, पूरा बदल, पूरा सिचुएशन बदल हुई है नवंबर 1st के बाद कि, और मैं अक्यूज किया है कि दो लड़कियों को किडनैप किया है। वो दो लड़कियों तो मेजर है और इसमें एक लड़की अहमदाबाद को नहीं, शी हैज नॉट इवन कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट रीजन। सेकेंड गर्ल नित्यानंदिता, शी स्पेंड ऑन 1st नवंबर 7:30 PM टिल अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock कंटिन्यूसली उन्होंने पुलिस से रो रही है, प्लीड कर रहे हैं कि मुझे मेरे पिताजी को नहीं देखना है, उनसे मुझे बहुत डर है, उनसे मुझे बहुत थ्रेटनिंग है और मुझे उनको नहीं देखना है। उस समय मैं और पुलिस बोथ ऑफ अस, आई जॉइंड द पुलिस, आई कोऑपरेटेड विद द पुलिस, मैं पुलिस से जुड़ा के मैं नित्यानंद को कन्विंस कर रहे हैं कि आप देखो, आप यार आप पिताजी से को देखो। मैं पुलिस से इतना कोऑपरेट किया है और उस समय हम दोनों मिला के ही नित्यानंद से बात कर रहे थे। After so many hours, she signed a letter saying that I really don't want to see my parents because I'm feeling threatened by his presence. After doing all of that, the next day she sends a leave letter and then leaves the place. After she left the place also, when police came and when I was detained in the Hirapur Ashram, throughout 4 or 5 days, I was supporting the police. I made calls to Nityananda along with the police, talking to her, continuously telling you come back. But she made a decision that she doesn't want to come back because she's afraid of her security. Only one thing I wanted to say, there are two adults, they are making their decision and I am no way part of it. Why I have to be, why I have to go through this case? Because these are two adults making their decision and I have continuously, sorry sir. और मैं तो पूरा इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट किया है और पुलिस से जुड़ा के मैं उन दोनों लड़की से बात कर रही थी इतने दिन से आप आ जाने के लिए, तो वो डिसाइड कर लिया है। इसके लिए क्यों मैं, व्हाट, व्हाई आई हैव टू गो थ्रू दिस ऑल ऑफ दिस सर, दैट इज वन थिंग। वो दो लड़कियां कहां पर हमको अभी वो तो हमको मालूम हुआ व्हेन आई रेड द न्यूज़पेपर्स एंड केस थिंग्स दैट दैट्स व्हेन वी अंडरस्टूड दैट
दे आर लिविंग इन बारबाडोस और इंडियन हाई कमीशन के सामने उन्होंने दे हैव गिवन देयर एफिडेविट इन इंडियन हाई कमीशन they are minors, right? They are not minors. They are both majors. Both of them are majors. But then why don't they come to the face the judiciary or face the administration? ये clearly आप ये clearly आप they can tell. मैं बताता हूँ. वो ही नहीं बोल रहा हूँ sir. दोनों लड़कियाँ major हैं और दोनों लड़कियाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. फर्स्ट लड़की तो पुलिस से मिलके अहमदाबाद में 8 hours she told I don't want to see. I myself and the police, both of us were continuously asking her to go to meet. I even told, please go back to your parents. This is too much of a problem. You didn't understand the question. The question is that when you people are keeping faith in the Indian judiciary, then why don't you produce that girls before the judiciary? No, we are not there to produce them. It is their decision. I was with the police asking her to come back. I am not asking them to stay there or I am not sending them there. I was with the police. I was making calls along with the police telling the girls to come back. But they have made the decision that they don't want